हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैब मेघना। तो आज ये एक व्लॉग वीडियो जो आप देखोगे, मीशा फाइनली टर्न्ड 3 इयर्स। तो इस व्लॉग वीडियो में मैंने बैक वॉइस दिया है, उसका दो रीज़न है। एक तो पूरा बंगला में सब लोग बात कर रहे थे एंड लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड बंगाली, सो दैट वॉज वन रीज़न। अनदर रीज़न था कि हमारे जो पड़ोस में नेबर्स हैं, उनके घर में इतना काम चल रहा है, सो देर वॉज लॉट ऑफ नॉइज। एंड आई हैव एक्वेरियम एंड उसमें ना जनरेटर्स ऑन रहता है, सो अ लॉट ऑफ नॉइज कम्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। लाइक लास्ट व्लॉग जो मैंने बनाया था अपने हाउस को दिखाने में, बाद में मैंने देखा कि इतने सारे आवाज़ आ रहे हैं, सो आई थॉट दैट आप लोग देखो एंड बैक वॉइस में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या है। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो लाइक ससुराल में नियम है कि जब तक वो 5 साल की नहीं होगी कोई भी बच्चा, वी कैनॉट सेलिब्रेट द बर्थडेज इन दैट वे। सो इसलिए खीर, जिसको हम बंगला में पायश कहते हैं, वो हम नहीं बना सकते हैं। केक्स भी हम लोग नहीं ला सकते। इट्स जस्ट दैट पीपल हमारे वंश से बाहर जो है, लाइक माई फादर कैन ब्रिंग अ केक, और इवन ननद अगर उसका शादी हो चुका है तो वो केक ला सकती है, बट वी कैनॉट बाय अ केक। ओके, सो दैट इज़ अनदर नियम। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट शी इज़ नॉट अलाउड टू वेयर एनी न्यू क्लोथ्स ऑन दैट डे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले कपड़ा ड्रेस खरीद के लेकर आती हूँ, 2-3 दिन पहले उसको पहना देती हूँ, लाइक 4-5 घंटे के लिए, फिर उसको धो देती हूँ। एंड उसके बाद जब उसका लाइक बर्थडे में मैं क्या करती हूँ, उसको पहना देती हूँ वही ड्रेस। तो इस तरह से उसको मिल भी जाएगा ड्रेस एंड नियम भी पालन हो जाएगा। एंड बीइंग अ मदर, आई एम नॉट सपोज टू कुक एनीथिंग फॉर माय चाइल्ड ऑन दैट डे। सो या दीज आर द नियम्स ऑफ आवर फैमिली। बट वंस शी टर्न्स 5 इयर्स, तो उसके बाद लोगों को इन्वाइट करके हम लोग बड़ा सा पार्टी कर सकते हैं। जनीशा जब वन शी टर्न 5, वी हैड अ वेरी गुड पार्टी एंड वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम ऑन दैट। एंड मीशा इज़ लाइक 3 इयर्स, तो 2 साल के बाद डेफिनेटली वील हैव अनदर पार्टी। एंड उस वक्त भी अगर मेरा यूट्यूब चैनल चालू रहा तो डेफिनेटली आई विल डू अ व्लॉग। सो या एन्जॉय द व्लॉग टुडे। तो अभी आप बाहर के देख सकते हो कि थोड़ा सा बलून से सजावट किया है। एक्चुअली हमारे जो गाड़ी चलाता है उसने ये सब डेकोरेशन किया है। एंड दैट्स मीशा, वो घूम रही है, जिनीशा खेल रही है। बहन की आज मतलब बर्थडे है, इसलिए वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रही थी, मतलब कर रही थी लेकिन उतना नहीं कर रही थी, एंड बदमाइशी कर रही थी। वो जो केक आप देख रहे हो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, वो शिवानी दी ने गिफ्ट किया है। एंड शिवानी दी हम लोग के लिए खाना बनाती है, एंड ये वो हमारे घर के एक सदस्य की तरह ही है। एंड वो मीशा जिनीशा को बहुत प्यार करती है। एंड ये देखो अब खाना बन रहा है, फ्राइड राइस बना हुआ है, चिकन रखा हुआ है, फिर दिस इज़ आलू भाजा, बैगन भाजा, ये पापड़ मीशा को बहुत पसंद है, चिकन अभी तक नहीं बना है, मछली फ्राई है। तो ये सब है, ये बाहर का बस आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसा लगता है। एंड बलून से सजावट हो रही है, एंड वो मेरी सासू माँ है। एंड या मीशा खेल भी रही है बलून से, एंड जिनीशा भी खेल रही थी बलून से। वो बार बार कह रही थी कि आज मुझे ऑनलाइन क्लासेस नहीं करना है। इस कमरे को मैंने सजाया था, ये बच्चों का कमरा है, आपको तो पता ही है, दैट्स मीशा'स कॉट। अभी मीशा ये नया ड्रेस है लाइक धो देने के बाद, एंड दिस इज़ अ कॉटन बेस्ड ड्रेस, ये मॉर्निंग के लिए मैं लाई थी। एंड वो कह रही थी कि मुझे ये काटना है, एंड बर्थडे कैप लेकर वो बहुत खुश थी एक्चुअली। बट आई वॉज मिसिंग माई हस्बैंड जॉय, बिकॉज ही इज़ स्टिल नाउ आउटसाइड इंडिया। ही वॉज सपोज टू कम बैक बट समथिंग हैपेंड, लॉकडाउन अभी चालू है कुछ कंट्रीज में, इसलिए ही कुडंट कम बैक।
मेरी सासू माँ अभी किचन में आई है, एक स्पेशल डिश कह रही है शिवानी दी को बनाने के लिए, वो है प्रॉन करी विथ कोकोनट मिल्क। तो किस तरह से बनाना है वो कह रही थी। इसको हम बंगला में कहते हैं ये प्रॉन करी को चिंगरी माचेर मलाई कारी। इसमें कोकोनट मिल्क लगता है, दही लगता है, ये सारे प्रॉन्स फ्राई करके रखा हुआ है। मीशा को एक्टिविटी बुक एज अ गिफ्ट मिला है मेरे ननद की तरफ से एंड वो बहुत ही खुश है। ये निशा का नहाना हो गया। ये है एक्टिविटी बुक जो वो खोल खोल के देख रही थी बार बार। निशा को बुक्स बहुत पसंद है, कलरिंग बहुत पसंद है, सो शी रियली लाइक दिस गिफ्ट। शी वॉज नॉट लेटिंग जिनिशा टच एनी बुक। शी वॉज सेइंग आमात, यानी कि आमार। आमार को वो आमात कहती है। ये मॉर्निंग में केक काटने का वक्त आ गया है। ये गिफ्ट है, जिनिशा ने उसको प्लेडो गिफ्ट किया है एंड मीशा ने गिफ्ट किया है जिनिशा को एक्टिविटी बुक। एंड मेरी सासू माँ अभी स्पेशल पूजा कर रही है। सासू माँ को मैं मामूनी बुलाती हूँ। मेरा भैया आ चुका है एंड ही ऑल्सो गिफ्टेड अ केक। तो मैंने कहा कि इवनिंग में वो काटेंगे। अभी चिकन हो गया है, दिस इज चिंगरी माचेर मलाई करी, ये भी हो चुका है। फ्राइड राइस तो बन चुका था, भाजा तो आपने देखा था, आइसक्रीम भी है। दैट्स माय फादर। एवरीबॉडी इज हियर नाउ। मीशा इज कटिंग द केक। आप लोगों को मेरा ये रूम भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ द लिविंग रूम। मीशा बैठी है वहाँ पे एंड दैट्स द वरांडा। यू गाइस हैव सीन सो मेनी टाइम्स एंड वहाँ पे बार है एंड ऊपर प्रोजेक्टर है। दिस इज़ आर रूम। All these plants are real plants. Evening के लिए मैंने ये roll लाया है and these are chicken, smoked chicken rolls from Sanja Chula as snacks. And Jinisha is ready. ये नया जूता
आज ही उसे मैं लेकर आई हूँ उसके लिए। लुक एट द हील्स, माई गॉड, उसके ड्रेस के साथ मैच करके। एंड दैट्स मीशा वेयरिंग अनदर न्यू ड्रेस। बच्चे लोग खेल रहे हैं, दैट्स माय सिस्टर इन लॉ, दैट्स माय ननद, मेरी जेठानी है। बस हम घर के इतने ही लोग हैं। खाना आ चुका है, फ्राइड राइस था, चिली चिकन था, फिर सूप था, फिश भी था, एंड इवनिंग में ये केक ऑफर किया है मेरा भैया ने, सो मीशा इज़ गोइंग टू कट दिस केक ऑल्सो। फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। आई होप यू गाइस हैव एन्जॉयड। गिव योर ब्लेसिंग्स टू मीशा एंड एज वेल एज जनीशा ऑल्सो। आई मीट यू गाइस अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड या I did not do any makeup this day. एंड में आप देख सकोगे किस तरह से मैं घूम रही थी। बाय।